1897 में भारत के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमेरिकी सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए सरना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। देखा सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम देखा सुल्तान, दम देखा। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बढ़ जाए सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है, तू भाई है। गुलबादशाह मंसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट 160 बंदे आपके सामने है साहिब, आगे पोजिशन पर।
हमें खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है, कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। सुबह हमारी यूनिट के मेजर रेबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोकते और एक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह फतेह हिंदुस्तानियों के खिलाफ फतेह। आज का हमला आखिरी हमला नहीं था। मुझे यकीन है गुलबच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। मैं ऐसा सर, अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है जिसका मतलब है कि सामना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मद अल्लाह, हमारा फैसला नहीं है। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दमनकाती ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये दो किले, फोर्ट लॉकहार्ट जाम कर रहे और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुलबादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह। मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से 1000 हो जाएंगे। वो 5000 भी हो सकते हैं और 10000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो महमूद अल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा गुलबादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यहाँ आकर एक होने का सबक तो दे दिया गुलबादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहाँ थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुलबादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वह जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली। महमदुल्ला अपनी जबान पे लगाम खींच, अपने औकात में रह सुल्तान। यकीन कस्से का महमूद अल्लाह। जो बच्चों का इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर, कुछ
दरिया में खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी है साहेब, साथी जमीन है, हिंदुस्तान की थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सरहद की लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, सवा लाख से एक लड़ावा, तेरा गोविंद सिंह नाम कहवा, दुश्मन चाहे 2,000 हो या 10,000, छत्री सिंह रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। बुरा ना माने तो एक बात बोलो, ऑफ कोर्स चांस सिंह साहब, टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे, बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। बट सर, रिइंफोर्समेंट्स के हेडक्वार्टर्स ने मना कर दिया है, व्हाट कैन वी डू? साहिब, मेरी बीवी मां बनने वाली है, छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब, मैं छुट्टी चाहता हूं। मैं नहीं देना चाहता साहिब, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? 6 महीने पहले बताया ना। इधर आओ बेटा सिंह, कम ऑन, डोंट बी शाय आउट शट, नथिंग टू वरी अबाउट, क्लोजर क्लोजर, come on, a bit closer, a bit more closer, that's perfect. So tum apne senior officer ke hukm mana kar rahe ho? Woh baat nahi sir, mujhe jaane do, main 2 hafton mein wapas aa jaunga. Mana kar diya na, aap afsar log bhi to jaate ho chhutti par, pichle mahine aap hi to gaye the na. अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? स्टॉप, बुट्टा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा, माफी मांग लो, माफी मांगो। Apologize, Bhuta! Apologize! Kamala Naman, Mahi Mangala. Ek! Ding! बचकर रहना।
अरे तुम लगी तो नहीं, राम सिंह इंदिरा भी कमजोर नहीं है बुट्टा सिंह जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनूं, उनके सम्मान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो क्या होना है पुत्र, चल चल के कट्ठे रोटी खाइए। पुत्र आ जा, बह के कट्ठे रोटी खाने। इशर पुत्र आ जा, बह के कट्ठे रोटी खाने। Thank you.
चाहिए। मेरे से गया बापू, तेरा पुत्र जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं, ये बात अपने दिल और जहन में डाल लो। यार में सिपाही का खून जाता है, मां सुने टोटली 17 इंजर्ड सोल्जर्स, बट थैंकफुली सभी खतरे से बाहर है। हर एक गोली के लिए एक दुश्मन, बट अगली बार अगर जंग होगी तो असला काफी नहीं होगा। यस चंद सिंह, गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब, ये प्रसाद। अरदास इज प्रेयर,
Sir. Thank you, Chancellor. Sir. It's very tasty. Tarawa Miliga. Bilkul, sir. Thank you. Sir. सब गुलिस्ता के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद अब करदली के पास रखवाती है। शुक्रिया। और हाँ चंद सिंह, अगली बार जब अरदास करो तो ये मंगना की कोई और अक्साई वापस जिंदा ना लौटे। नहीं लौटेंगे साहब। इस बार 1,000 आए थे, अगली बार 2,000 आएंगे फिर भी हारेंगे। जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब, जज्बा लगता है। तुम ठीक कह रहे हो चंद सिंह। अगली बार और अक्साई 200 की नहीं 2,000 की तैयारी करेंगे। और अगर लॉकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी, और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लॉकहार्ट को। हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके, एक ऐसी तरकीब जिससे ओरकज़ाई टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके। इट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट वी डू दिस सर, वी हैव अ लॉट एट स्टेक। यू आर एब्सोल्युटली राइट मेजर। कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी, चल नीचे आ। कारतूस के बिना बंदूक किस काम की, इस दुस्ती ही रख लो। पहला फिर दे दे मेरे काम, दुस्ती रख लो। इसी आप रोटी नहीं खा रहे? तो खा भी रहे, मैं बाज खाना है। इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया। इतना अच्छा जाएगा, सब पढ़ कर ले आएगा तो सुट भी देगा। और काट लेगा तेरे को। तेरी पोस्टिंग ठीक है? पोस्टिंग ठीक नहीं है बाबा जी। क्यों? उगानियों का एक कबीला है और एक्साइन है उसे, वो सामना घाटी पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। आप समझो बाबा जी, ये रोटी हमारी जमीन है, इस जमीन की सरहद पर ना और सही खेमे है, साड़ी जमीन पे वो किले है, किला लुकाट ते किला गुलिस्ता। हमारी 36 रेजिमेंट इन दोनों किलों का ध्यान रखती है और उपजाई दोनों किलों पर कब्जा कर ये जमीन को हड़पना चाहते हैं। लुकाट की मदद सिर्फ गुलिस्ता कर सकता है और गुलिस्ता की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है। ये दोनों की मदद करेगा। तू आजा आजा, रोटी खान दे। तू ही खा पुत्र। जी बाबा जी। जी मैं मिंटू, वो गुरुद्वारे वाले भाई जी ना भतीजा। आ जाओ फिर रोटी खा ले। नहीं जी, आपसे खा लीजिए, मैं नहीं खा। आपको याद है जी, वो मैं खेतों से मूलियां चुरा के आपको देता था, और आपके बाग में भी बहुत बार मैंने आंबिया चुराई थी। अच्छा वो लस्सी भी पी रही थी कितनी बार। अपनी तारीफ ही करता रहेगा, या आगे भी कुछ बोलेगा भी रे। हाँ जी हाँ जी, मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में। एक पहलवान आया हुआ बरनाले से जी, कुछ गंभीर मसला लगता है जी। बरनाले से? और बरनाले में तो बूटा रहता, ये पहलवान कौन है? आओ बाबा जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ओए बूटा की होया? पुत्र होया भरा जी। ओए इत्थे की होया? ओए इत्थे ओए खेतों वाले मसले। बैठ जा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ईश्वर सिंह, की हाल? रब की मेहर जी, तुहाडा आशीर्वाद ने सब ठीक ने। ईश्वर सिंह
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਥਾ ਮੁਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਇਤਨਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਜਹਾਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਫਸਲ ਜਲਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਔਰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਲੱਗ ਪੁੱਛ ਹੋਏ ਸੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਦੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸੇ ਮਾਰਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ। ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੰਡਰਾ ਕਰ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਫੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਕਿਉਂ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ ਕੇ ਲਿਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ ਸੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ ਕੇ ਲਿਏ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਥੀ ਕਿ ਵੋ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇਤਾ ਤੋ ਵਧੀਆ ਥਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਔਰ ਅੰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲੋਕ। ਮਾਫੀ ਈਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਸਰ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜੇਗੀ ਸਰਦਾਰ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੇਜਰ ਟੀਬ ਕੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਲੋਕਾਟ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਮ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਾਗੋ 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 ਹੋਰ ਹੈ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਵਤਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੀ ਘੜੀ। ਜਾਗੋ 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 ਰਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ ਵਤਨ ਕੀ ਬੇਸਰਾ ਘੜੀ। ਖੋਲ ਦੋ ਕਿਵਾੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਯੇ ਲੋ ਤਲਵਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨੋਂ ਕੀ ਢਾਲ ਤੋੜੇ ਸਭ ਗਿਰੇਂਗੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਛਾਤੀ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਬਾਂਧ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਘਰ ਸੇ ਸਿਰ ਗਿਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ ਐ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਤਾ ਹੈ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਗਾੜ ਲੈਗੇ ਹੈ। ਹਾਥ ਕਾ ਬਦਲਾ ਹਾਥ, ਆਖ ਕਾ ਬਦਲਾ ਆਖ।
इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। हमारे गांव की नहीं थी वो, उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार। मेले में दर्शन हो जाते थे उसके, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चोटी। अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी, सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना, और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी। वाह बोला सिंह। और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी, और हाथ में रहेगी ये बंदूक कमीनी। ओ पोला सिंह। ये हो गया बोले, कुछ हलचल हो रही है। वो कबीले वाले हो रहे हैं, तेरी कहानी बड़ी बढ़िया, आगे सुना। और नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। उसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की कर लग गया भोलिया। कोई नहीं, देख लेते हैं ऐसे भी। चलो देखिए, जिंदा है। क्या करें, औरंगजाई को सारा गड़ी भेज देते हैं, बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहेब सिंह जी, बाजी आप इसे ईश्वर पाजी के पास ले जाओ। जी बच्चे। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी बच्चे। अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साहिद, मेरी आंख बेचैन है हिंदुस्तान और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। हाँ, मैंने जिंदगी बख्शी है, लेकिन इशारा भी किया कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह। लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है, जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते। ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरहम है। कलम कर देंगे हम इसका।
اگر اس گستاخی کی وجہ کوئی خوشخبری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی معاف ہو سردار، لیکن خبر اتنی ضروری تھی کہ آپ کی اجازت لینا بھول گیا. دراصل ہم لوگ سارا گاڑی پر نظر رکھ رہے تھے اور شمشیر گھائل ہو گیا اور پکڑا گیا، لیکن میں بچ گیا. جناب سارا گاڑی پر سینکڑوں ہندوستانی سپاہی ہیں. جو خبر مجھ کو ملی ہے اس کے حساب سے تو 20 سے 25 سپاہی. تم کو اتنے سارے کیسے دیکھ گئے؟ گننے کا وقت نہیں تھا سردار، لیکن اتنا تو طے ہے کہ وہاں پر 1000 سے اوپر سپاہی ہیں. سارا گڑھی کے آس پاس انہوں نے ایک چال سا بن رکھا ہے، اس لیے تو ہمارا دوست ان کا شکار بن گیا. من تو کرتا ہے تمہارا سر قلم کر دوں، لیکن جا تمہیں بخش دے، دفاع ہو جاؤ. دشمن کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے شاید، اب اس سے پہلے وہ سارا گیری کو ایک مضبوط قلعے میں بدل دیں، ان پہ حملہ بولنا پڑے گا. ان کے قدموں کو روکنے کا وقت آ گیا. اعلان جہاد کا وقت آ گیا. ہندوستانیوں کی بیویاں شمشیر سے اپنی انگلی کاٹ کر اپنے شوہر کو تلک کرتی ہے، ایسا سنا ہے ہم نے. اسے ہم نے اپنے خون سے رنگ دیا ہے. اس خون کی قسم، اسے میان میں تبھی رکھیے گا جب یہ ان سارے ہندوستانیوں کے خون سے نہا جائے. انشاءاللہ فتح آپ ہی کی ہوگی. اگر ہماری فتح نہ آپ ہی صحیح ہے، تمہاری آخری ملاقات ہماری خفن والی لاش سے ہوگی. کچھ نہیں ہوگا آپ کو، آپ لوٹیں گے ضرور، اور وہ بھی ان سبھی ہندوستانیوں کے سر لے کر. اور تب تک یہ سائدہ آپ کا انتظار کرے گی. اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے.
सब तैयार तैयार जी। हाँ जी, दुश्मन की फौज मुझे हजार में लग रही है। यह संदेश तो जल्दी शेरपा जी को देना पड़ेगा। पहला झंडा शर्मा जी, पहला झंडा दिख रहा है। दो झंडे मतलब 2000 बंदे। दो झंडे मतलब 10 10 12 हजार बंदा है हमारे सामने। रब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना। जी ये तो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। Stop.
2000 बंदे इधर आ रहे हैं। Letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route, reaching. Thank you, sir. Durmukh. Haan ji, bhai ji. Hamari dono post par sandesh bhejne. Pentagon ja ke do daste aa rahe hain. Hamla jaldi hone wala hai. पीछे पीछे हो गया भाजी। चंगा hold on for 6 hours. Tell Isha to abandon it will. Ajay, Bulista se sandesh aa raha hai. साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है, पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। तो रवड़ी मेरा दस्ता तो आ रहा है, पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते। कोई गल नहीं काके, अब इनको ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है। पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे, वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं। पर रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। हीरा जी, पाजी काम कर। जी जनाब। देखो जनाब, एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है। ओए तलाशी लो इसको। जी जनाब। जनाब
پشاور سے برطانیہ فوج کا پیغام آوے 4000 دستے اسلحہ اور بارود لے کر وہاں پہنچ گئے گورستان ساراگیری اور لوکاٹ کی حفاظت کے لیے شمشیر جی کہہ رہا تھا اس نے 1000 سے زیادہ بندے دیکھے ہیں یہ بندہ اپنا پیغام لے کر وہاں جا رہا ہوگا مر گیا دشمن ہم سے 2 قدم آگے لگ رہے ہیں پر بادشاہ پر خدا کا میرا ہمارے ساتھ ہے میں بولا دشمن کا سارا خبر ان کو پہلے مل جاتا ہے کس طرح مقابلہ کرنا ہے عبدل بادشاہ ویسے ہی جیسے پہلے طے کیا تھا جاؤ پھر اور پہلے ہم نے طے کیا تھا کہ ہم ایک ہی وقت پر 3 قلعوں پر حملہ کریں گے لیکن اب حالات بدل گئے اب مجھے لگتا ہے 3 قلعوں پر پشاور سے فوج آ چکی ہے حفاظت کے لیے اب ہم ایک ہی وقت پہ صرف ایک ہی قلعے پر حملہ کریں گے سب سے پہلے سارے لیے تاکہ گولستان اور لوکیٹ کے بیچ کوئی پیغام نہ بھیج سکے دشمن کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑے تو فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ اے سونا اوئے باقی دستوں پہ پیغام بھیج دو اپنا جگاڑ کم کر گیا اور جس اورکزائی کی لاش کو تو نے ہندوستانی وردی پہنا کر بھیجا تھا لگتا ہے وہ اس گل بادشاہ کے ہاتھ پڑ گئی ہے اور اس نے ہمارا سندیشہ پڑھ لیا ہے تبھی اس نے اپنا ارادہ بھی بدل لیا اب اسے ایسا لگ رہا کہ ہمارے فوجی دستے بڑھ چکے ہیں اور روک لیا ہم نے اسے لوکاٹ اور گلستان جانے سے اب یہ اپنے 12000 بندے لے کے ہماری اور آ رہا ہے بس ایک باری پشاور سے بندے پہنچ جائے پھر ہمیں یہ جنگ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا آجا گل بادشاہ آجا
Why is the entire army of about 12,000 moving toward Sarigami? But why is Gulatek and Sarigami first? How on earth will Isha stop this huge army? Inform Gulistan that the troops will be there as soon as possible. Sir. के सामने एक के सिख कल हॉकिंग को SOS भेजो सारागढ़ी को मदद की जरूरत है वो सिर्फ 21 है मेजर साहब का संदेश है साहब सारागढ़ी को मदद की जरूरत है सेंड अ मैसेज टू ईश्वर सिंह लीव सारागढ़ी इमीडिएटली जी साहब छोड़ दो ईश्वर पाजी कर्नल साहब का संदेश है सारागढ़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं वो लिख के हमारे पास तरकीब है जब तक पिशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहां रोक सकते हैं हम पे भरोसा रखे ये भी लिखो हर पोस्ट की जिम्मेदारी जरूरी है ऐसे कम नहीं चलता और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है हर पोस्ट की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए लुकआउट पे औरतें और बच्चे भी हैं कुछ भी हो सकता है पाजी उनका वापस संदेश आया वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं और क्या और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बनाकर रखें तू जो आप भेज लोखाट को भेज के अपनी पोस्ट की सुरक्षा करें ठीक है भाजी कहता कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है हाँ जी पर पाजी हाँ इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा ओए काके ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख हमने ना इस गुलबादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लेने देना ओए हमें के शेरी बड़े काफी है इसके लिए है कि नहीं बिल्कुल पाजी चल जा जिस संदेश आए तो मुझे बता देना हाँ जी ओ तैयार हो जा सारे फौजी जल्दी Thank you.
से किसी फौजी दस्ते को जाते देखा है? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। सब लोग अपने पोजीशन पर। जी साहब। प्लेन का अगला कदम उठाने के लिए तैयार। रब रखा, रब रखा। चलो 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 चलो। बंदूक आजी, रब रखा। और रब रखा। तरकीब काम कर गई, रुक गया कुल बादशाह, पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था। मैं मतलब हमने सोचा था कि हमको सारे गिरी पर कब्जा करने के लिए एक घंटा लगेगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दोगुना वक्त लगेगा। और पहले हम सारे गिरी पर अपना परचम लहराएंगे, उसके बाद बाकी के दो खेलों की तरफ कूच करेंगे। Thank you.
सब लोग अपनी पोजीशन पर। पोजीशन बदलते रहो। उड़ा साइकिल को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूक है, बंदूक क्या चला रहे हैं। तैयार, एक रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। कुल बादशाह के हमला करने के टार छड़ी से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुप कर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि तीन पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारा गरी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है, लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते। और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की एक पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब, उत्तम सिंह जी साहब, अमर सिंह जी साहब और निहाल सिंह जी साहब, तुम सब जाओगे। मैंने कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान, एक तो पहले मुझे सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragari? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Could have been quiet for some time. Kulip Singh! Yes, sir. Samne gate mein aaj se hamari do patrolling units tainat rahenge. Aur dushman ki har movement ki khabar hum tak pahunchati rahengi. Yes, sir. Yaad rahe. Heliographic badlon ki wajah se kam nahi karegi. Yes, sir. सिंह, और पुतले खड़े कर दे सारे। गुरमुख, कुछ हुआ काके? कुछ नहीं हो रहा पाजी। Yeah!
ये तो हीरा की आवाज है। ओ भाई गुरु नहीं क्यों होया? ओ भाई जिसका डर था हरे बंदे सारे पता
जल्दी। दुश्मन को आगे आने दो, उसको पता चल गया होगा इस पोस्ट पे कितने बंदे हैं। इस बार उसने सारी ताकत एक बार में लगानी है। ईश्वर बाजिया फिक्र ना करो, आने दो इनको वापस। इन भगोड़ों को उनकी बीवियों ने वापस भेज दिया। लगता गुलबादशाह की बीवी को उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मरना भेज दिया हमारे ऑटो। आ गुलबादशाह, तेरी खोपड़ी में पहली गोली मैं मारूंगा। ओ कमीनो, तुम सबको सबक सिखाना बाकी है। दिखा देंगे हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने का क्या अंजाम है। ओए दद्दू, शिवाजी, अब रोटी तभी खाएंगे जब एक एक को जमीन में गाड़ देंगे। भाई गुरु जी का खालसा। भाई गुरु जी की फतह। भाई तो पैसा अपने लेकर आ। दुश्मन ने जितने भी बुत खड़े किए हैं, तोपों का निशान है उन पर लगाया जाए। सही पहचाना गुलबादशाह, एक नकली फौज के डर से हम आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। दुश्मन की चाल को समझे ही नहीं थे। सही पहचाना। ऐशर से एक बादशाह और जय की लाश को सिख के लिबास में भिजा रहा, वो बेवकूफ बन रहा है। और ये फौजियों को पुतला, रास्ते में रस्सी और पंजियों का जाल, हौसला है उसमें। पर अभी उसको अंदाजा होगा कि हमको उसके हर जाल की खबर है। लगता है सब कुछ समझ गया गुलबादशाह कि हमने किस तरीके से उसे हराया था। वो अब उसे किसी भी बजूगे का कोई डर नहीं है। वो कैसे की तरह आ रहा हमारे पीछे। बाजी, आपका दिमाग तो बंदूक की गोली से तेज चलता है।
बूटा राम सुंदर जल्दी आगे तो मेरी बात सुनो पहली कितार के पीछे वाला दस्ता 100 बंदों का पूरा दस्ता जाना चाहिए नीचे 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 निकले निकले और निकले सबसे बाद उसी पे सालार शहीद हो गए ये हुई ना बात मेरे भतीजे हमारे एक सिपाही की जान हमने कम से कम नहीं तो 2000 से 3000 बंदा उनका खत्म कर दिया और किसे लगता है मौत का डर इधर किसे लगता है मौत का डर और मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है कौन है यार वो बुजदिल जो पहले ही मर चुका है जो हमारे मन में मौत का खौफ हो ना तो ना बहता खून ना खून नहीं रहता पानी बन जाता है कोई बंदा यहाँ में जिसकी रगों में बाजी मार रहा है कोई नहीं बाजी और चंद ना हथियारों से नहीं जीती जाती न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है जंग के हिम्मत से जीती जाती है हौसले से जीती जाती है ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है जो बंदा है ना कुल बादशाह इसके इरादे नापाक हैं हमारी जमीन पर पांव रखकर रोकना चाहता है या उसे और दिन बस बच्चों और औरतों के कत्ल करेंगे तो ही तो पोस्ट है मेरे पास लगाट ते गुलिस्ता टीवी साहब है तेलो काट में मेम साहब और हमको कैसे मारना है मुझे अपने बच्चों की तरह हमें उनकी रक्षा ऐसे करनी है चाहे हम अपने परिवार की करते हैं क्या रहेंगे की दही उन्हें तक दुश्मन का पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा
कोई सवाल से कोई जवाब करो। ये जो सांस है ना, मारी नहीं है, सच्चे बादशाह की है। ये जिंदगी मारी नहीं है, कैसे चली गई ते चली गई। कोई सवाल से कोई जवाब करो। कोई मैसेज सारा गरी से? नहीं सर। इसका मतलब सारा गरी का हेलियोग्राफ काम नहीं कर रहा और गुलिस्तान से भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंच रहा है। Damn it. To try and touch base and find out what is happening. Have they been asked to retreat? And if yes, then why are they still firing? And who is doing the firing? Stop. Hum dusri paltan leka sara gari jayenge. Balwinder, tum bhi saath chaloge. जी साहब। सारा गरी को हमारी मदद की जरूरत है। हम तैयार हैं साहब। कला सिंह, तुम हर वक्त यही रहोगे और जब भी कोई खबर आए हमें तुरंत खबर कर देना। जी साहब, मैं यही मुस्तैद रहूंगा। बलविंदर, तुम दूसरी दस्ती को मिजली तैयार करो। आज यहाँ पे सारा बंदा सुंदरू से नहीं है, पंजाब से नहीं है और नाई के बंदा लोहार से है। आज हम सब सरफरोश है, हिंदुस्तानी है। बोले सोनिया। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान बात
आज जीवा सिंह तुम्हारे पराठे सेकेगा। सिमर बाबू आप क्यों परेशान? आप चिंता मत करो, फौजी दस्ता आ ही रहा, सब ठीक हो जाएगा। I'm missing Hira Singh. Now I'll never get to see him. उठा। मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊंगा। काश मैं उसके साथ होता, तो मैं उसकी जगह शहीद हो गया होता। वो ही अकेला है, बाकी सब भी मेरे भाई हैं। आज उन सब की याद आ रही है। सारा गाड़ी भाई साहब, आधे मील की दूरी पर है। चलो जल्दी। दो दुश्मनों के साथ दो बहुत करना होता। इशर बाजी, अब फौजी रास्ते में पहुंचने वाले। एंड द सपोर्ट फॉर ईच अदर। हाँ सर। ये डर गया तुम्हारा गुरूर है? जीवा तो ठीक है, ठीक हूँ मैं। हिंदुस्तान को बचा नहीं पाए। बाकी है जीवा, सांस से भी कम है। अरे गोले भी थोड़े आपके और थोड़े मेरे। आज आज जीवा जल स्नान नहीं करेगा। शेर सिंह सारे के लिए हार गया। स्नान जरूर करवा देगा। ये शहादत भी किसी किसी खुश नसीब को नसीब होती है। अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपनी बेटी को जाएंगे। अपने फौजी रास्ते में पहुंचने वाले।
हो जो सरफरोश हम ये माटी ही बनेंगे सारे लो पाजी संदेश आना शुरू हो गया है ओ पाजी बताओ मैं भाई करूं क्या संदेश भाई जरा छह शून्य दो पांच सात ईशा सन्या मौत से नहीं डरता गुलबत्रा इसको आपको बहुत खौफ है एक करके अगर इस कमरे में आग लगा दी तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा अभी तक तो कोई मदद नहीं पहुंची अंत वही गुरु मेहर करूं पर मेहर करूं आए गुरु मेरे मालिक खबर कुछ भी नहीं काला सिंह कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं मेम साहब डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद ना हो गया जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं सिर्फ कुर्मू की एक ऐसा है जो संदेश भेजना चाहता है ऐसा ना हो कि कहीं वो भी हे वाहेगुरु मेहर करूं सब पर
रहे जवानों, नारायण राम तू आप हम 36 रेजिमेंट के सिर पर थे सरफरोश बचे हैं। ओ अब तक यहाँ पे कम करने वाला सिर्फ मैं था, मलदार ईशा सिंह, लेकिन अब तुम सब अफसर हो। आज का हुक्म देने वाला कोई है? पिनाई लेने वाला दुश्मन का रवि प्रताप में हमारे सामने और जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक हम इसे अपना परचम यहां ले जाने नहीं देंगे। और गुल बादशाह का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। We'll be right back.
पड़ोसी की अपनी मर्जी हमें बुलाए यारी व्यक्ति surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep. I talk to her husband? Can I talk to her husband? No. It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Salagari and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? हेलियोग्राफ से संदेश आने की उम्मीद नहीं रखती। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं उनकी मदद करने। ये कहला भाजी, मैं हूं यहां पे। वाहेगुरु आपके साथ है। मेरे भाई को मार दिया।
तेरे पास आ गया मैं, तेरी गोद में सर रख कर सब सब जाऊंगा। सब ठीक है पाजी, मेरे सराहनी है साहब, मुझे भी चलना आपके साथ। शुक्रिया साहब, चला जा। अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो रहे हैं और जब तक ईश्वर से मिलता है ना, कोई इन्हें छू भी नहीं पाएगा। आप करा वहां भी रहेगा छू भी नहीं सकते। अरे वक्त आ गया तुमको भी लाशों के साथ सलाह रहे ईश्वर से। हमको लगा सारा के लिए एक घंटे में कम से कर लेंगे, इतना वक्त बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। और बादशाह तुझे इसकी सजा देगा, ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपेगी। ऐशर सिंह मोहम्मद Thank you.
Colpa se le sacó de Sara que rico sincha. Y Sara que ritere legendo está. Para ver los zapatos le va a la echar zen. Legendo está. Teresa. Vete y me ven de bala. Avatar, echar zen. ये तर क्या तुम्हारा गुरु है हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया हार गए ऐशर सिंह सारे के लिए हार गए और ऐशर सिंह सारा के लिए हार गया ऐशर सिंह गुलबादशाह से हार गया हाँ अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेबी को देंगे
मौत से नहीं डरता गुलबत्रा। इसको आप तो बहुत खौफ है। अगर इस कमरे में आग लगा दी हो तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा। जब तक मेरी सांस चलेगी ना तब तक ये सरगड़ी हमारी है। तो ठीक है फिर अपने आखिरी सांस की तैयारी करें ऐसे सही।
ऐसे ना Let's go inside.